आज हम क्लास 11th विषय गणित दिनांक 28/9/2021 अध्याय 2 संबंध एवं फलन टॉपिक पार्ट 12 13 14 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी वर्कशीट को सॉल्व कराया जाएगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि R इजिकल टू समुच्चय एक्स कोमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समुच्चय द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक समुच्चय दे रखा है, उसके आपको प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करने हैं। तो हमें जो समुच्चय दे रखा है उसे हम पहले जू का तू लिख लेते हैं। फिर हमें इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक्स कोमा एक्स प्लस 5, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वाई है जो एक्स प्लस 5 है और वो बिलोंग्स करता है एन के, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो फिर आर का प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक्स का मान रखेंगे तो हमारे पास y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। x का मान हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो और y का मान कितना आएगा, 0 + 5 = 5। फिर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा, तो 1, 6। फिर हम x का मान 2 रखेंगे तो 2, 7। फिर हम 3 रखेंगे तो 3, 8। फिर हम 4 रखेंगे तो 4, 9। फिर हम 5 रखेंगे तो 5, 10 और 6 रखेंगे तो 6, 11। मतलब हम क्या करेंगे, x एक मान शुरू से 0 मानेंगे, फिर 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, 5 मानेंगे और 6 मानेंगे, और हमारे पास ये वाले मान ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, जो हमें प्रथम घटक दे रखे हैं उसका समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा प्रांत। तो देखते हैं इसके अंदर प्रथम घटक कौन कौन से है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या होंगे, प्रांत। अब हम परिसर, परिसर क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बता भी रखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये इसका परिसर होगा। इस तरीके से आपको R के प्रांत और परिसर लिखने थे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि संबंध R इज इक्वल टू समुच्चय x² + x³ सच दैट x संख्या 8 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमें क्या दे रखा है कि R बराबर होगा समुच्चय x² + x³ सच दैट x है वो संख्या 8 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो बिलोंग्स होगा समुच्चय 2, 3, 5, 7, क्योंकि 8 से कम अभाज्य संख्या, 8 से कम आपको अभाज्य संख्या बतानी है। तो 8 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5 और 7। तो हमें ये लिखना है। फिर हमें सवाल के अंदर क्या पूछ रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ पर हम एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4, 8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। फिर हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। फिर हम 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और क्यूब 343 हो जाएगा। तो हमें ये इनको लिखना है और यही हमारे क्या होगा, रोस्टर रूप होगा। सबसे पहले हम R से कम अभाज्य संख्या देखेंगे, फिर उनको R बराबर जो दे रखा है उसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास समुच्चय का रोस्टर रूप आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस दूसरे क्वेश्चन को करना है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि यदि A इज इक्वल टू समुच्चय A, B, C व B इज इक्वल टू समुच्चय 1, 3 तब A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि A है जो समुच्चय 1, B, C है और B है जो समुच्चय 1, 3 है। इसलिए हम क्या करेंगे, A इंटू B, A और B इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो A क्या है, A, B, C समुच्चय और समुच्चय 1, 3 इनकी गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A की गुणा 1 से तो 1, 1, फिर A की 3 से तो 1, 3, फिर हम करेंगे B की 1 से तो 2, 1, फिर हम B की करेंगे 3 से तो 2, 3, फिर हम C की करेंगे 1 से तो 3, 1,
फिर हम सी की करेंगे तीन से, तो सी कोमा तीन, मतलब आपको इस तरीके से यहाँ पर एक अवयव उठाना है, इसकी गुणा कर लेनी इनसे, फिर एक अवयव उठाना इनकी गुणा करनी इससे, फिर एक अवयव उठाना और इनकी गुणा करनी है इनसे, तो हमारे पास ये मान आ गए। फिर एन ए इंटू बी, हमारे पास कितने मान आए, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ए और बी की गुणा की तो हमारे पास कितने मान आए, तो छः। और संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू बी के उप समुच्चयों की संख्या, और उसका सूत्र होता है 2n, तो 2 हम लिख लेंगे और n हमारे पास कितना है 6, तो 2 का 6 बार हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 64। इस तरीके से यह आपके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि संबंध r इज इक्वल टू समुच्चय एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर है 2x कोमा एक्स कोमा y belongs to natural number का प्रांत एवं परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रांत के बारे में बात करते हैं, तो R का जो प्रांत होगा वो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, और R का परिसर होगा जो सभी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, बस आपको इसके अंदर इतना सा ही लिखना है। फिर आपके पांचवा क्वेश्चन है कि यदि R इज इक्वल टू समुच्चय 1,2 कोष्टक 1,3 कोष्टक 2,4 कोष्टक 2,5 कोष्टक 2,2 का प्रांत एवं परिसर लिखिए, तो यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको प्रांत एवं परिसर लिखना है। तो प्रांत सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, यहाँ पे पहला ए 1,2,2,2 तो क्या आ जाएगा समुच्चय 1,1,2,2,2 समुच्चय। फिर परिसर, परिसर क्या होता है, द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो हमारे यहाँ पे द्वितीय घटक कौन कौन से, 2,3,4,5,2 तो हम इन्हें समुच्चय के रूप में लिख लेंगे, तो हमारा यह परिसर आ जाएगा। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने इस वर्कशीट को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।